मध्य प्रदेश के 19,000 से ज्यादा निजी स्कूल अब परेशानी में हैं। फीस संबंधी जानकारी सरकार से छिपाने के आरोप में इन स्कूलों पर अब तगड़ा जुर्माना लगने जा रहा है और जुर्माना भी 5 गुना जो करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठता है। जबलपुर के बाद अब भोपाल में भी इन स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली गई है। निजी स्कूलों ने क्या गड़बड़ियां की और उनको सरकार ने कैसे पकड़ा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बढ़ती फीस, हुई महंगी पढ़ाई, देखिए स्कूलों की सच्चाई। देखिए मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है, पहली बात। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि 7 साल तक कोई कमेटी नहीं बनाई। 31 स्कूलों पे हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। परिजन बच्चों के स्कूलों की बढ़ती फीस से परेशान हैं और मजबूरन स्कूल संचालकों की मनमर्जी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने इन सब पर नकेल कसने का इरादा बना लिया है। पहले जबलपुर के प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की गई और अब राजधानी भोपाल के स्कूल संचालकों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने उनसे फीस की जानकारी मांगी थी। जिन स्कूलों ने जानकारी नहीं दी, अब प्रशासन उन पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। आज जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक हुई, उनके साथ निरंतर समन्वय बनाने, उनके द्वारा दिए गए इश्यूज को रिजॉल्व करने के निर्देश दिए गए और हम सब लोग जो है उस पर आगे काम करेंगे। 31 स्कूलों पर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, हम बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में 34,638 प्राइवेट स्कूल हैं। 15,612 स्कूलों ने विभाग को फीस की जानकारी नहीं दी। ऐसे में करीब 19,000 स्कूलों ने नियमों का उल्लंघन किया है। अब नियमों के तहत इन स्कूलों से प्रोसेसिंग फीस की 5 गुना राशि वसूली जाएगी, जिसकी कीमत करीब 28 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। मध्य प्रदेश पालक महासंघ अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा का कहना है कि निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा को व्यापार बना दिया है। 2 करोड़ लोग फीस और किताबों को लेकर परेशान हैं। देखिए मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है, पहली बात तो। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि 2018 में फीस रेगुलेशन एक्ट बना था और 2020 में इसके नियम आए थे। नियम आने के बाद तत्काल मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की एक राज्य स्तरीय कमेटी बनना थी और मध्य प्रदेश के जितने भी जिले उनमें भी कमेटी बनी। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि 7 साल तक कोई कमेटी नहीं बनाई। दरअसल ये कार्रवाई जबलपुर में हुए फीस घोटाले के बाद की गई है। जबलपुर के निजी स्कूल में फीस घोटाला पकड़ा गया था, जिसमें स्कूलों ने मनमानी फीस वसूली की थी। निजी स्कूलों ने ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं की थी। ऑडिट रिपोर्ट में सालाना खर्च का ही हेरफेर किया गया। सालाना खर्च 15% से ज्यादा होने के बावजूद भी फीस बढ़ा दी गई। फीस बढ़ाने की जानकारी किसी को भी पहले नहीं दी गई थी। हर साल 20-30% स्कूल संचालक फीस बढ़ा देते हैं। ऐसे में पेरेंट्स पर मानसिक और आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। परिवार पे आर्थिक रूप से हर साल जो है स्कूल वाले जो है 20-30% या उससे भी ज़्यादा फीस बढ़ा देते हैं, जबकि नियम यह है कि 10% बढ़ाने से पहले एक समिति को गठित होना चाहिए और समिति के अनुशंसा पर ही बढ़ा सकते हैं। 10% से कम आप बढ़ा सकते हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा जो मासिक खर्चा है अभिभावकों का वो पूरा बिगड़ रहा है, पूरा बजट उनका बिगड़ चुका है और अभी आप ये समझ लीजिए कि उनको लोन तक लेना पड़ रहा है। एक अभिभावक होने के नाते आपको ये जानना जरूरी है कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ फीस बढ़ाने के लिए क्या इन नियमों का पालन किया जा रहा है। निजी स्कूल 10% ही फीस बढ़ा सकते हैं। 10-15% फीस बढ़ाने पर जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होती है। 15% से ज्यादा फीस बढ़ाने पर राज्य शासन की अनुमति जरूरी होती है। सालाना खर्च में 15% की कमी आने पर ही फीस बढ़ाई जाती है। नए सेशन से 90 दिन पहले फीस बढ़ाने की जानकारी देनी होती है। मध्य प्रदेश में सरकार ने निजी स्कूल संचालकों पर शिकंजा कसने के लिए उनसे पूरी फीस की जानकारी बुलाई, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी करीब 15,000 से अधिक स्कूल संचालकों ने अब तक सरकार को जानकारी नहीं भेजी है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि जब जबलपुर और इंदौर में बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई और सबसे बड़ी बात है कि जबलपुर में तो स्कूल संचालकों को बकायदा FIR उन पर की गई और जेल तक भेजा गया, ऐसे में बड़ा सवाल है कि भोपाल और ग्वालियर में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। निजी स्कूलों की फीस और किताबों को लेकर की जाने वाली मनमानी रोकने के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने निजी विद्यालय अधिनियम 2020 बनाया है, जिसके तहत ये सारी सख्ती सरकार निजी स्कूलों के खिलाफ कर पा रही है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार की सख्ती के बाद ये स्कूल सुधरेंगे।